चलिए, सो हमारे जो कंटेंट्स हैं थ्योरी के भी प्रैक्टिकल के भी वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो है अपना अकील जो है, अकील के जिम्मे ये काम है। आप बस लिस्ट है ना अकील पूरे स्टूडेंट्स की? यस सर, सबकी है। ओके दैट्स गुड। ये वैसे मैं रिकॉर्डिंग भी सेव भी करता जाता हूँ, ये आपको शेयर भी कर दूंगा। ये जो पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी, यस सर। इसके अंदर मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया है, वो जो हमने नासा से डाटा लिया था, हमने ग्लोबल वार्मिंग के मतलब डिस्कस किया था, ठीक है ना, वो आपने करना एक्चुअली क्या है, ये पहले स्टूडेंट का टॉपिक ये होगा। ठीक हो गया जी? ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट का टॉपिक जो है वो होगा ये, यहाँ तक थ्रेट्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर और इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक हो गया? सेकंड स्टूडेंट का ये होगा। थर्ड वाले का टॉपिक होगा ये दो, ठीक है जी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट स्मार्ट ब्रीडिंग, ये तीन हो गए। अच्छा, आपने तरतीब अकील वही रखनी है जो ऑलरेडी एजी नंबर वाइज आपके पास लिस्ट होगी ना, रजिस्ट्रेशन वाइज चल रहा है आपने। यस सर, बिल्कुल। हर स्टूडेंट के नाम के आगे ये टॉपिक लिख के वो एक वर्ड की फाइल बना के आपने ग्रुप में शेयर कर देनी है। अब ये तीन टॉपिक्स, तीन स्टूडेंट्स के टॉपिक्स हो गए हैं। चौथे स्टूडेंट्स का टॉपिक होगा प्लांट अडेप्टेशन तक, ठीक हो गया। पांचवे का टॉपिक होगा स्ट्रेस टॉलरेंस एंड रिसोर्स यूज एफिशिएंसीज तक, पांच हो गए। छठे का टॉपिक होगा फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी वाला, यहाँ तक छह हो गए। सेवंथ वाले का होगा मोलेकुलर रिस्पॉन्स। सर जी बेटा, ये मोलेकुलर रिस्पॉन्स वाला ये मैं मुझे दे दे सर, ये आप ले लो, अकेले इसको असाइन कर देना ये वाला भाई। ओके सर। ओके, ये सेवन स्टूडेंट्स हो गए। आठवें का की फंक्शनल जीन एंड ट्रेट्स, ये आठवें स्टूडेंट का हो जाएगा। नाइन्थ वाले का ब्रीडिंग अप्रोचेस, इसमें फिनोटाइपिंग जीनोटाइपिंग और जीनोम वाइड सीक्वेंसिंग ये मुकम्मल होंगे। आठ हो गए या नौ हो गए? नौ हो गए सर। दसवें वाले का ये यहाँ तक है जी, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस और गेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, दस हो गए जी सर। उसके नेक्स्ट वाले का है एक्सपेंशन वाला टॉपिक, 11 हो गए। यस सर। उसके नेक्स्ट वाले का जो टॉपिक है वो होगा रोल ऑफ पार्टिसिपेटरी एंड रोल ऑफ फिनोमिक्स, ये कितने हो गए? 12 हो गए। यस, ये 12 हुए, 13 हुए, तो 12 हो गए। 12 हो गए, ठीक है ना। और 8 जो है उनको प्रैक्टिकल में से मिलेगा, एक को मिलेगा एडू टाइप ऑफ वीट, ये 13, राइस 14, मेज 15, कॉटन 16, ऑयल सीड 17, शुगर केन 18 और पल्सिस 19, और 20th का टॉपिक होगा फिनोटाइपिंग थ्रू इमेज एनालिसिस। टॉपिक मुकम्मल हो गया, ठीक हो गया, ये इसमें मुकम्मल हो गया। अब आपने करना क्या, जिस स्टूडेंट को ये जो भी टॉपिक उसको असाइन हुआ है, मैंने इस टॉपिक पे जो भी आपको पढ़ाया प्लस जो भी मटेरियल दिया, वो आपने सारा मटेरियल पढ़ना है, ठीक है? ठीक हो गया। उस एक टॉपिक के मुताबिक सारा मटेरियल पढ़ के आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर फाइल बनानी है, जिसको आप अपने हाथ से लिखेंगे, सारा कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर प्लैजरिज्म में लगा के चेक करूंगा किसने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, ठीक है? आपने अपने हाथ से लिखना है और आपने उसके अंदर प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दे के मुकम्मल आपने लाइन स्पेसिंग मुकम्मल 1.5 की रखनी है। फॉन्ट साइज आपने 12 का रखना है और उसके अंदर आपने फाइन जो है ना अपना जो आपने स्टाइल रखना है वो टाइम्स न्यू रोमन होगा, ठीक हो गया ना। सो एक ना अच्छी सी प्रॉपर हर टॉपिक की हर स्टूडेंट ने एक अच्छी सी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपने प्रोवाइड कर देनी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप हाईलाइट कर देंगे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होगा उसको हाईलाइट कर देंगे या बोल्ड कर देंगे, जैसे भी आपको मुनासिब लगे।
टैक्स को एट द एंड आपने जस्टिफाइड करना है, ये इस वक्त टैक्स जस्टिफाइड नहीं है, ये मैं अभी करने लगा, ये टैब होता है, ये जस्टिफाइड टैक्स है, इस फॉर्म में टैक्स होनी चाहिए। समझ आ गया ना सबको? जी ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ आ गई? जी सर आ गई समझ। ओके, सो इस तरीके से आपने हर स्टूडेंट ने अपना टॉपिक पूरी ईमानदारी से लिखना है, उसके बाद जब ये 20 टॉपिक्स इकट्ठे हो जाएंगे तो ये हम आपस में शेयर कर लेंगे और यही हमारा टोटल कोर्स होगा। ओए हमजा बंद कर ला इनू। ठीक हो गया ना? सब बजाय इसके कि हर स्टूडेंट जो है वो आल तो हर स्टूडेंट अपने अपने नोट्स तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बट इस वे से हर स्टूडेंट को एक एक टॉपिक मिल गया। ठीक है जी, ये टॉपिक आपने सबमिट करना है हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उससे पहले पहले, मतलब इसी वीक। यस डेफिनेटली डेफिनेटली इसी वीक। ये मैं आप लोगों को एलएमएस के ऊपर इसका अपना क्या उसको बोलते हैं क्रिएट कर दूंगा, क्विज नंबर टू और असाइनमेंट नंबर टू के नाम से, क्योंकि असाइनमेंट पहली एक तो आपने सबमिट कर दी हुई है पहले ही, सो ये असाइनमेंट टू के नाम से आ जाएगा। हर स्टूडेंट अपने अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ के उसमें से जो क्रक्स है या जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लेगा, ताकि आप लोगों के पास एक नोट्स टाइप चीज क्रिएट हो जाए, वो तमाम स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे और फिर वही हम इंशाल्लाह उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक से। इंशाल्लाह हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज भी करना शुरू कर देंगे। हर दफा हम तरतीब के साथ, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पहले दिन हम पहले 3 स्टूडेंट्स के टॉपिक खोलें, उसको हम ऐसे ही जूम पे ही खोलेंगे, वन बाय वन उनको पढ़ेंगे, सामने क्लियर हो जाएगा कि किसने मेहनत की है किसने मेहनत नहीं की। जिसने मेहनत की होगी उसको नंबर फुल मिल जाएंगे, जिसने नहीं की होगी उसको नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया बेटा? ठीक हो गया। वही टॉपिक हम उसको रिवाइज भी कर लेंगे ताकि हमारे लिए वो आसानी भी हो जाए, और ये काम हर वीक इसी तरीके से चलेगा। ये इस वीक की असाइनमेंट है, ऐसे ही नेक्स्ट वीक में इसी से रिलेटेड हम आपको, हो सकता है हम आपको एक और असाइनमेंट दूं, फिर थर्ड वीक में हम एक और असाइनमेंट करेंगे, साथ में रिवाइज भी करते जाएंगे। ठीक हो गया? ताकि हमारी एक तो तैयारी भी हो जाए, फिर से रिवीजन भी हो जाए, और जो हमारे जो 12 मार्क्स है मिड के वो भी हम पूरे कर लेंगे इस तरीके से। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले इस हवाले से। नो सर। सर जी जी बोले। सर मैंने सुना आप 2x स्पीड पर मूवीज देखते हैं। सर मैं यस सर मूवीज तो खैर 2x स्पीड पे नहीं देखता यार, लेकिन ये है कि काफी सारी चीजें 2x स्पीड पे देखता हूँ। सर अटेंडेंस होगी मेरी सर? क्या बात है सर। और क्या हाल है भाई विकास? ठीक हो? ठीक ठाक सर। अभी 17 आए हुए, एब्सेंट कौन है? सर थोड़ा सा बीमार हूँ सर, बस थोड़ा सा बीमार है। सर आपने पूछा। अच्छा ये एक मिनट रुक जा, सर का हाल तबाह हो चुका है, सागर बर्बाद हो गया है। प्रेजेंट सर। ओके आकाश भी है? यस सर। हमजा भी है, विकास भी है, सर ये बर्बाद हो गया। बिलाल मुस्तफा है मौजूद सर। इस्मा भी है, आवाज आई थी मुझे। निमा भी है, मुनीब मुनीब भी है। ओके उम्मे सलीता भी है, सनाउल्ला भी है, अकील भी है, अजमत भी है, दानियाल यस सर प्रेजेंट। ओके जुनेद अशरफ, जुनेद भी आई थिंक है कि नहीं है? नो सर नहीं है अभी तो। ओके जुनेद नहीं है, ठीक है ना। मदीहा, ये से मदीहा को क्या हुआ भाई? दबा ये काफी दिनों से नहीं आ रही। सही गांव गई। ओके मदीहा भी नहीं है, जो भी बंदा है ना गांव पहले इसको बता के जाता सारी तो अपना गांव ना ले। जुनैया भी नहीं है सर, मैं हूं। अच्छा आप हो। मुबशर नहीं, याकूब होता है। ओके मुबशर अहमद भी नहीं है, नहीं है। चला गया। नदीम भी है और अदील भी है। ठीक हो गए। सो ये
और हाशिए भी है? यस सर। ओके, एक दो तीन और जो पार्टिसिपेंट थे 18 हो गए। क्यों नवा आ गया सर? जी गंद मार रहे हैं सर। जो बंदा भी जाएगा सभी की प्रेजेंट लगा दे आगे जाता है सर। रुक जा मैं गंद मार रहा हूं, मेरे कंडक्टर लगा देना यार। ये कौन मेरा नाम लिख रहा है? ये कौन है भाई? बादशाह कौन लिखा है यार ये मुझे? वैसे मैं ठहर दियो जा, मैं थोड़ा कार्डिनल लाज एक मिनट लो जो जा। आमीन सुम्मा आमीन लिख दियो सर। सर जी नहीं आ रहा है सर। वालेकुम सलाम, क्या चाल है भाई? सर ऊपर से चिपकली गिरी सर। इसमें आपने हाथ से रेस किया भाई? सर वो वैसे लगा दे इसलिए हैंड रेस। अच्छा लगा दिया जी, हाजिरी तो लगा दी पहले। सर जी नहीं आज बाहर आना, थोड़ा मैंने हो इलाज करना है। अहूं लिया ला जा। आपको पता नहीं चलना कौन कौन लिख रहा था? चल जाता है सर। यकीन वो सर एक आप ही तो सहारा है हमारा थोड़ा बहुत। सर यकीन गंद बहुत मारता सर। अच्छा अच्छा, जुनेद मदीहा और मुबशर नहीं है, ऐसे ही है ना? बाकी सब है। जुनेद आ रहा है सर। अकील भाई और कौन कौन गाऊंगे आवा? और कोई नहीं गया। ठीक हो गया, जुनेद का पैकेज खत्म हो गया वो कह रहा है। सर मेरा अभी दोबारा लगाया है सर, पूरे 200 रुपए मेरे लगे हैं सर। अच्छा।